फाइनल का आ चुका है रिजल्ट। जी हाँ, आप भी सुन के हो जाएंगे हैरान कि कौन बना है विनर, और काफ़ी लोगों ने देख भी लिया होगा क्योंकि इस बार बिग बॉस 16 बहुत ही ज़्यादा फेमस था और ये बिग बॉस को जाता है इसका पूरा क्रेडिट क्योंकि इस बार बिग बॉस ने गेम खेला है पूरे सीज़न में। तो मैं तो जितने भी कंटेस्टेंट थे उनसे ज़्यादा मैं बिग बॉस की फ़ैन हो चुकी हूँ। तो फिलहाल मेरा जो फेवरेट था वो शिव था, पर जीता कौन है, MC Stan के सर पे गया है ये ताज। MC Stan की फ़ैन फॉलोइंग बहुत मजबूत थी क्योंकि MC Stan न्यू जनरेशन के हैं और वो रैप करते हैं और लोगों को उनके रैप में बड़ा इंटरेस्ट मिलता है। तो बस इसलिए MC Stan ने इस बार बाजी मार ली है बिना कुछ किए, तो डिसीज़न बहुत अनफेयर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है शिव ठाकरे को जीतना चाहिए था। आप बताएं आपकी नज़र में कौन था विनर? तो लोगों का दिमाग नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा होता है, तो MC Stan के रैप इसीलिए लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। जो चीज़ दिमाग में जाए ना वो ज़्यादा पसंद आती है, जो जाए वो नहीं अच्छी लगती। आज की जनरेशन की ये सोच है। तो खैर जो भी हो, मंडली से कोई जीता है इसलिए मैं तो मंडली की सपोर्टर थी, तो मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि मंडली से कोई जीता है। लेकिन मैं और भी ज़्यादा हैप्पी होती अगर शिव ठाकरे जीतता, पर आज बड़ा अफसोस का दिन है कि शिव ठाकरे नहीं जीता। पर शिव बहुत ही अच्छा है पर्सनालिटी से भी, फेस से भी, और जो उसने अपने आप को प्रेजेंट किया बिग बॉस में रह के उससे भी। तो आप लोगों ने, और इस बार का बिग बॉस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड बिग बॉस के वजह से हुआ क्योंकि बिग बॉस ने इस बार बहुत मस्तियाँ की हैं और बहुत मज़े किए हैं। मतलब मैं तो आपसे, मैं अपनी पर्सनली सोच बताऊं और आप अगर ऑडियंस से भी पूछेंगे तो उनकी भी सोच यही है कि ज़्यादातर लोग बिग बॉस के फ़ैन बन गए जो दिखते ही नहीं, और दिल करता है काश उनका फेस दिख जाता, कहीं से सिर्फ आवाज़ ही दिखती।